हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई बाग को लेकर यहां पर जो है आज मीटिंग रखी गई थी, यहां पर साहिल होटल में नसीम सिद्दीकी साहब ने इसको जो है चेयर किया है। बात करते हैं पूरी चीज के किस बारे में मीटिंग रखी गई थी। देखिए, मोरलाइन रोड पे जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है आज, उस प्रोटेस्ट के ताल्लुक से कि उसकी मोरालिटी क्या हो, कब तक चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और अगर लंबा चलाना है तो उसकी क्या शक्ल होगी, इन तमाम बातों को लेकर आज बहुत ख़ास मुअज़्ज़िज़ जो MLAs थे, ex-MLAs थे और प्रोमिनेंट लोगों की उलमास की एक बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसमें अबू आसिम आज़मी साहब थे, वारिस पठान थे, फयाज़ अहमद थे, अमीन पटेल थे, रईस शेख थे, मौलाना दरियाबादी थे और सोसाइटी के तमाम जो है मुबीन कुरैशी थे, रेशम वाला साहब थे और तमाम जिम्मेदारान जो है इस मीटिंग में शामिल थे। और ये तय किया गया कि भाई हम लोग अपनी बात सरकार को बतावें, हमारी जो मांग है वो सरकार को बतावें, अगर हमारी मांग जो है सरकार मानती है तो हम इस आंदोलन के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे कि इसको कब ख़त्म करना है। इस ताल्लुक़ से मैंने अनिल देशमुख साहब को बताया था, कल मीटिंग हुई थी, अनिल देशमुख साहब का फ़ोन आया और कल उन्होंने जो है अनिल देशमुख साहब ने CP और इसके साथ हमारी एक हाई पावर डेलीगेशन रखा हुआ है, वो मिलेगा होम मिनिस्टर को, अपनी बातें होम मिनिस्टर के सामने रखेगा, अपनी डिमांड्स रखेगा और उसके बाद इसका जो है मुस्तकबिल हम लोग तय करेंगे। लेकिन मोटे तौर से जो पिछले दिनों हमारा तय हुआ था कि 14 दिन तक हमको ये करना है, तो 14 दिन तक हम इस आंदोलन को मोरलैंड रोड पर ही चलाने की कोशिश करेंगे। अगर 14 दिन से ज़्यादा, वो जो मुद्दत 14 दिन की हमारी जुमे को ख़त्म हो रही है, जिन लोगों ने कल आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, इस कमेटी ने आज जो है उनके गैर मौजूदगी में बिना उनके बुलाए उनकी गलतियों को माफ़ किया है जो है, और वो अपने दिल से निकाल दिया है। लेकिन ये आंदोलन जुमे तक यहाँ जो है बहुत डिग्निफाइड तरीके से चलेगा और 14 दिन कंप्लीट होने के बाद अगर कल मीटिंग होम मिनिस्टर से मीटिंग के बाद डेलीगेशन मीटिंग में क्या होगा, इनकी क्या मांग है, ये जो बैठे हुए क्या चाहते हैं? मांग है कि होम मिनिस्टर जो है हमको आश्वासन दें, महाराष्ट्र के इंडिया के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हमको आश्वासन दें कि महाराष्ट्र में सेना, कांग्रेस और NCP की सरकार है तो हम यहाँ NRC वगैरह लागू नहीं करेंगे, NPR लागू नहीं करेंगे और CA लागू नहीं करेंगे और किसी भी आदमी की नागरिकता नहीं जाएगी और हमको परेशान नहीं किया जाएगा। हमारे जो आंदोलन जो हुए हैं इसमें किसी के ख़िलाफ़ जो है किसी तरीके की पुलिस बाद में FIR या उनको परेशान करने की बात नहीं की जाएगी। और जिन पर FIR हो गया, उन पर जिन पे FIR हो गया है वो राजनीतिक, ये बात तो तय है कि इतने दिनों में किसी ना किसी पे FIR होगी। देखिए, अगर नहीं हुआ होगा तो शायद वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार हमारी है, हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा सहयोग करेगी। और ये पॉलिटिकल मूवमेंट आंदोलन है, ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है हमने परमिशन नहीं लिया था, अगर FIR भी हो गई तो सरकार को अधिकार है कि वो मुकदमे वापस ले सकती है और यही मांग हम अनिल देशमुख से करेंगे। नसीम भाई, आवाम को नेताओं पर भरोसा क्यों नहीं? आप तो बहुत सीनियर लीडर हो, मगर देखा जाता है कि लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि अगर ये पॉलिटिशियन आते हैं, जैसे अभी आप यहाँ बात चली और आप भी जानते हो, तो ये कुछ खिचड़ी बन जाएगी, ये पॉलिटिशियन ये जो है ख़राब कर देंगे, तो आवाम को नेताओं पे भरोसा क्यों नहीं और यही आवाम उनको चुन के लाती है? देखिए, बड़ा पेचीदा मामला है, इसमें गलती लीडरशिप की भी है और थोड़ी आवाम की भी है कि हम जब जिनको चुनकर दे देते हैं उसके बाद उनको फॉलो नहीं करते कि उन्होंने हमारा कितना काम किया है कि नहीं किया है। और दूसरी बात ऐसी है कि आज मेरिट वाले लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग जो है, जो बासलाहियत लोग जो है, वो इलेक्शन में आते नहीं, जीत भी नहीं पाते, क्योंकि पॉलिटिक्स का निज़ाम पूरी तरीके से बदला हुआ है, पैसे की पॉलिटिक्स हो गई है, मसल पावर की पॉलिटिक्स हो गई है जो है। तो इसमें कई बार हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के लोग चुन के आते हैं और एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चुनाव हारता है, तो ये जिम्मेदारी जो चुन के देते हैं लोग उनकी भी है, इसलिए ये फासला नेताओं ने भी समझा है कि वो पैसा देकर चुन कर आते हैं या तो बाहुबलियों की ताकत पर आते हैं, तो वो उनकी वकालत ज़्यादा करते हैं, आवाम का काम कम करते हैं और आवाम समझती है कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, बड़े बड़े बिल्डरों का और उद्योगपतियों का है, तो ये जो दूरी है ये बढ़ती है और उसका ये नतीजा है कि लोगों ने लीडरों पे जो है वो इत्मीनान करना। आपकी पार्टी सरकार के साथ है, सरकार मिलके बनाई जो महाअघाड़ी है, एक आरोप ये भी है नसीम भाई कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो चाहती है कि शाहीन ये जो मुंबई बाग ये जल्द से जल्द ख़त्म होए और आप लोग जो पॉलिटिशियन हैं उनके नुमाइंदे बन के आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसी बात चल रही है? नहीं, देखिए ये तो आरोप बिल्कुल गलत है। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर सरकार चाह ले तो ये आंदोलन एक दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता है। आपको मुंबई पुलिस की ताकत का अंदाज़ा है कि स्कॉटलैंड पुलिस है, मुंबई की पुलिस, उसने 10-10, 20-20 हज़ार के मोर्चे
बच्चे को जो है उसने भीमा कोरे गांव को 5 मिनट के अंदर ख़त्म करने का काम किया है, उसके मुकाबले में ये मोर्चा तो हमारा, ये प्रोटेस्ट तो बहुत छोटा है। लेकिन सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है। सरकार चाहती है लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, भरोसे में लेकर, जिस मांग को लेकर हम बैठे हैं सरकार उनको सुनने के लिए तैयार है। सीएम साहब ने, आपने कहा था कि सीएम साहब ने असेंबली में जैसे रईस शेख ने बताया और जैसे अमीन पटेल ने बताया, जरा एक बात आप दोहराएंगे कि सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, मैं सीएम साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सीएम साहब ने तो बहुत बड़ी बात कही है, फ्लोर पे कही है, एमएलएस की मीटिंग में कही है, उल्मास की मीटिंग में कही है कि किसी की भी नागरिकता हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और महाराष्ट्र में NRC NRP लागू नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे जी कह चुके हैं, हमारी मिलीजुली सरकार है, कांग्रेस NRC और NPR नहीं लाने देंगे। CA का उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। देखिए, CA जब पहले NRP होगा, फिर जो है NRC होगा। लड़ाई तो मुद्दा तो अभी CA पे भी चल रहा है ना, यहीं से उठ रहा है ना। देखिए, पहले जब हम NRP ही लागू नहीं करने देंगे तो CA का सवाल ही नहीं आता है। CA तो थर्ड स्टेज है हमारी, फर्स्ट स्टेज तो CA है ना सर? नहीं, फर्स्ट स्टेज बाग CA से चालू हो गया। फर्स्ट स्टेज हमारी है NRP, पहले रजिस्टर बनेगा, उसके बाद फिर NRC होगा, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनेगा, और उसमें जो लोग नागरिकता से बाहर किए जाएंगे उनको जो है CAA के ज़रिए जो है नागरिकता देने का प्रोविज़न है। लेकिन इस प्रोविज़न में मज़हब की बुनियाद पे जो आर्टिकल का भी बहुत बड़ा उल्लंघन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने मुस्लिम लफ्ज़ को बाहर कर दिया है। अगर वो मुसलमानों को शामिल कर लेते तो आज शायद जो है देश में इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलता, क्योंकि लोगों को डर है कि मुसलमानों को छोड़ के बाकी सारी अकलियतें जो है वो तो इसमें आ जाएंगी लेकिन मुसलमान नहीं आ। पवार साहब का क्या कहना है, आपकी पार्टी की जो लीडर है सुप्रीमो शरद पवार, CA पर क्या कहना है? इस पर तो शरद पवार साहब बिल्कुल खिलाफ हैं, और आपको पता है पिछले 24 तारीख को शरद पवार की क्यादत में मुंबई में एक बहुत बड़ा मोर्चा होने वाला था जिसकी क्यादत वो कर रहे थे, लेकिन 24 तारीख को प्रकाश अम्बेडकर के बंद की वजह से वो पोस्टपोन किया है। तो शरद पवार जी का इस पर बिल्कुल मौकफ साफ है कि वो बिल्कुल इन तीनों चीज़ों के खिलाफ है। मीटिंग में ये भी बताया गया कि पुलिस जो है बहुत टॉर्चर कर रही है, हालांकि लोग बता नहीं रहे कि पुलिस बहुत तकलीफ दे रही है यहाँ से उठने, नॉट टॉर्चर, पुलिस यहाँ पर जोर लगा रही है कि प्रोटेस्ट नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस हम ये नहीं कह सकते हैं, बहुत हद तक कोऑपरेट कर रही है। हमने देखा उत्तर प्रदेश के आंदोलन में अभी तक 25 लोग मारे गए, हज़ारों बेघर हो गए हैं और लाखों की संपत्ति जो है जब्त की गई है। मुंबई पुलिस बहुत धैर्य से काम कर रही है, हम सब लोगों के कोऑर्डिनेशन में है, लेकिन पुलिस को कभी कभी कुछ काम करने पड़ते हैं, उनके काम में कोई दखल भी नहीं दे सकते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम। ये बात फाइनल है कि कल 13 तारीख को एक डेलीगेशन होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के पास जा रहे हैं और औरतें जो है अपनी बात वहाँ पर रखेंगी? उस डेलीगेशन में हमारी 3 बहनें होंगी और 10 जो है क्या कहते हैं हमारे दूसरे जो है 13 लोगों का डेलीगेशन है, तो उसमें 3 हमारी बहनें भी होंगी, औरतें उसमें, महिलाओं में, उस डेलीगेशन जो है होम मिनिस्टर के साथ बात करेगा और बाद में उस डेलीगेशन के जाने के बाद होम मिनिस्टर इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, गली से बात।